स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हमारा एंटी अराइथमिक। तो एंटी अराइथमिक के लिए हमें पता होना चाहिए कि अराइथमा क्या होता है। तो अराइथमा में जैसे कि अब एक नॉर्मल पर्सन है, सिंपल नॉर्मल पर्सन है, तो उसका हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट बीट करता है इन अरिथमिक मैनर में। तो क्या होता है अराइथमा? सोडियम
सोडियम के करंट को इनवेज में इनवर्ट्स के अंदर जाने से रोकती है, तो वो फर्स्ट क्लास तो उन पर डिपेंड करता है हमारे पास। कार्डियक सेल्स के अंदर इन्वॉल्व होने से रोकती है सोडियम के करंट को, जो इनको हम क्या बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, इनके पास लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है क्लास वन के पास। आगे इसको चार क्लास मोड ऑफ एक्शन के बेसिस में फोर क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट क्लास कौन सा है, जो डायरेक्टली इंटरफेयर करती है डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मेम्ब्रेन बाय ब्लॉकिंग द करंट ऑफ सोडियम इनवॉल्व इनटू द कार्डियक सेल्स। इनके पास इट ऑल्सो हैज लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे क्विनिडिन हो गया या फिर लिग्नोकेन हो गया, क्विनिडिन एंड लिग्नोकेन। सेकेंड कौन से ड्रग्स आते हैं सेकेंड क्लास के अंदर हमारे पास आता है, जिनके पास एंटी सिंपैथेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल हो गया, उनके पास क्या होती है एंटी सिंपैथेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो आ गया हमारा क्लास सेकेंड के अंदर। सो क्लास थर्ड में क्या आता है, जो वो ड्रग्स जो प्रोलोंग करती है ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को, क्या करती है द ड्रग्स विच प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, वो आती है हमारे पास थर्ड क्लास के अंदर, जैसे कि अमीडोडोरेन हो गया। तो थर्ड क्लास के एग्जाम्पल में क्या है अमीडोडोरेन, अमीडोडोरेन। एंड उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास के अंदर हमारे पास जो ब्लॉक करते हैं द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द इनवर्ड कैल्शियम करंट, जो फोर्थ क्लास के अंदर जो इनवर्ड कैल्शियम करंट को ब्लॉक कर दे। फर्स्ट क्लास में जो सोडियम करंट को ब्लॉक कर रहा था, फोर्थ क्लास में जो कैल्शियम करंट को ब्लॉक कर दे, तो उसका एग्जांपल हमारे पास वेरापेनिल। सो हम मेन मेन ड्रग्स पढ़ते हैं जो हमारे पास एंटी राइथमिक के अंदर यूज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्विनिडिन। सबसे पहले हमारे पास आती है क्विनिडिन। अब क्विनिडिन क्या होती है, क्विनिडिन है वो हमें शो करती है डेक्स्ट्रोरोटेट्रिस्टी। क्विनिन सुना होगा, क्विनिन सिर्फ क्विनिन का क्या है स्टीरियोआइसोमर है जो मूव करता है डेक्स्ट्रोरोटेट्री, तो इसको हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रोरोटेट्री स्टीरियोआइसोमर ऑफ क्विनिन। क्विनिन की टैबलेट मेनली यूज की जाती है मलेरिया के अंदर। एंड क्विनिडिन क्या है, क्विनिन का डेक्स्ट्रोरोटेटरी स्टीरियोआइसोमर है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है, जब हम इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से पास करेंगे तो ये राइट की तरफ मूव करेगी। जब ये राइट की तरफ मूव करती है तो हम बोलते हैं कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है तो हम बोलेंगे कि ये लैबोरोटेटरी है। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्योंकि ये राइट की तरफ मूव करती है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास होते हैं टू नाइट्रोजन, इट कंटेन्स टू नाइट्रोजन, और जो साइड चेन के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है मोर बेसिक, जो प्रेजेंट है साइड चेन के अंदर, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्विनिडिन का स्ट्रक्चर मिलता है हमें ऐसा, ये है हमारे पास क्विनिडिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और जो साइड चेन वाला नाइट्रोजन है वो ज्यादा बेसिक है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि इट कंटेन्स टू नाइट्रोजन एंड जो साइड चेन वाला नाइट्रोजन है वो ज्यादा बेसिक है। उसके बाद हमें मिलता है क्विनिडिन सल्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन हमें मिलता है क्विनिडिन का सल्फेट। सल्फेट कैसे बनता है, जैसे क्विनिडिन को हमने अगर सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कर दिया तो अब उसका वो क्या बना लेगा, ऑफिशियल कंपाउंड बनता है उसका क्विनिडिन सल्फेट। तो क्या कर सकते हैं हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं वाटर से, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसके होंगे व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स। इसके होंगे व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स, ऑडरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, स्लाइटली सोल्युबल है वाटर के
बॉइलिंग वाटर में अल्कोहल में एंड क्लोरोफॉर्म में, ऑडरलेस, टेस्टलेस, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बट सोल्यूबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बॉइलिंग वाटर। एंड बॉइलिंग वाटर के अंदर चार सोल्यूबल है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कहाँ रखेंगे हम इसको, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। देन हमें, और ये इजिली क्या होता है, लाइट से इजिली एक्सपोजर हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो इसको इसलिए भी किसमें रखेंगे, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। अब हमें ये किस किस नाम से मिलता है, क्विनिडिन के नाम से, बाइसल्फेट और क्विनिडोन। क्विनिडिन, बाइसल्फेट एंड क्विनिडोन, तो ये है इसके ब्रांड नेम्स। देन क्विनिडिन का सल्फेट और क्विनिडिन का बनता है ग्लूकोनेट, तो क्विनिडिन का ग्लूकोनेट। बाकी हमने क्या पढ़ते हैं, हम क्रिस्टलिन पाउडर, क्रिस्टलिन के साथ एक अमरफस फॉर्म होती है, तो ये हमें मिलता है अमरफस पाउडर। अमरफस पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम रिएक्ट करवा के, बाय रिएक्टिंग क्विनिडिन एंड पॉलीग्लाइकुरोनिक एसिड। पॉलीग्लाइकुरोनेट बना रहे हैं हम, तो पॉलीग्लाइकुरोनिक एसिड के साथ, क्विनिडिन के साथ रिएक्ट करवा के हम इसमें क्या बना सकते हैं, पॉलीग्लाइकुरोनेट। उसके बाद मीडियम कैसे रखेंगे हम, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक मीडियम रख के, एसिडिक मीडियम रख के हम पॉलीग्लाइकुरोनेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजेस क्या क्या है इन सभी के, ये सभी यूज होते हैं एज एन एंटी राइथमिक एजेंट के तौर पर, एज एन एंटी राइथमिक एजेंट, और ऑल्सो ये शो करते हैं हमें एंटी मुस्करेनिक प्रॉपर्टीज, एंड जो हमारे पास अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर के तौर पर भी हमें यूज होते हैं, जो क्विनिडिन के प्रोडक्ट्स हैं, क्विनिडिन के डेरिवेटिव्स हैं। डोसेज को हम क्या क्या है, ये इनके टैबलेट्स बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं क्विनिडिन के। देन हमारे पास आता है प्रोपेकैनम हाइड्रोक्लोराइड, ड्रग जो हम एंटीराइथमिक ड्रग यूज करते हैं वो। प्रोकेनमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
ये है हमारे पास प्रोकेनमाइड हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसकी नेमिंग देखो कैसे है, यहाँ पे हम वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं। तो क्या है, दो कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये बनेगा हमारा इथाइल, मेन तो हमारा इथाइल प्रेजेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास है, यहाँ से नंबर स्टार्ट करो, 1 2 3 4। फोर्थ पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। तो हम लिखेंगे 4 अमीनो, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अमाइन। तो हम लिखेंगे 4 अमीनो। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ, देखो नाइट्रोजन के साथ अटैच है 2 इथाइल। तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन जो कि प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे, तो लिखेंगे 2 इथाइलिन। या फिर टैन कलर का,
व्हाइट टू टैन कलर क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट टू टैन कलर पाउडर की फॉर्म में, देन होता है ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। सोल्युबिलिटी क्या है? इनसोल्युबल है वॉटर के अंदर, फ्रीली सोल्युबल है वॉटर के अंदर, एंड सोल्युबल है अल्कोहल के अंदर। ओके, देन आती है इसकी स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस क्या क्या है? क्योंकि प्रोकेनामाइड क्या है? एंटीराइथमिक एजेंट है, तो एज एन एंटीराइथमिक एजेंट यूज करते हैं। जो अक्यूट अराइथमा हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट देते हैं हम प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। और जो एक्स्ट्रा सिस्टोल्स की वजह से जो अराइथमिक हो रहा है तो उसमें भी हम क्या देते हैं? प्रोकेनामाइड देते हैं। कार्डियक अराइथमा को ट्रीट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए एनेस्थेसिया के दौरान हम देते हैं प्रोकेनामाइड के हाइड्रोक्लोराइड। फिर आता है इसका क्या क्या बनता है? कैप्सूल्स एंड इंजेक्शंस, डोसेस फॉर्म में आएगा कैप्सूल्स एंड इंजेक्शन। देन आता है इसका ब्रांड नेम क्या है? अमीडोप्रोकेन के नाम से मिलता है एंड नोवोकैमिड। अमीडोप्रोकेन एंड नोवोकैमिड के नाम से ये हो गए इसके ब्रांड नेम्स, ये इसके डोजेस फॉर्म। देन अब हमारे पास एंटीराइथमिक एजेंट्स, हमारे पास दो मेन एंटीराइथमिक एजेंट्स हैं क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो ये हमारे यहाँ पे एंटीराइथमिक फिनिश होता है। थैंक यू।